हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बीए सेमेस्टर सेकंड का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर आपके मई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में होने हैं नेम ऑफ द पेपर इज़ जनरल साइकोलॉजी सेकंड मैक्सिमम मार्क्स इसके एटी हैं थ्योरी पेपर सेवेंटी मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट टेन मार्क्स की लगाई जाएगी टाइम थ्री आवर्स इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेटर एंड द कैंडिडेट्स देयर शैल बी नाइन क्वेश्चन इन ऑल पूरे सिलेबस में से आपके नाइन क्वेश्चन आने हैं द फर्स्ट क्वेश्चन शैल बी शॉर्ट आंसर टाइप कॉन्टेनिंग ट्वेल्व शॉर्ट क्वेश्चन स्प्रेड ओवर द होल सिलेबस एंड ईच टू बी आंसर्ड इन अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा जिसमें ट्वेल्व शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसमें से आपने सेवन का आंसर देना है इनके आंसर्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स के बीच होने चाहिए द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट एनी सेवन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दैट इज़ टू मार्क्स ऑफ ईच इट शैल कैरी फोर्टीन मार्क्स एंड शैल बी कम्पल्सरी क्वेश्चन ये क्वेश्चन कंपल्सरी होगा इसके टोटल फोर्टीन मार्क्स होंगे टू मार्क्स ईच सेवन क्वेश्चन का आंसर आपने देना है रेस्ट ऑफ द पेपर शैल कंटेन फोर यूनिट्स ईच यूनिट शेल हैव टू क्वेश्चन एंड द कैंडिडेट शेल बी गिवन इंटरनल चॉइस दैट इज द कैंडिडेट शेल अटैम्प्ट वन क्वेश्चन फ्राम ईच यूनिट फोर इन ऑल ईच क्चन विल कैरी फोर्टीन मार्क्स इस तरह से बाकी आपका सिलेबस फोर यूनिट में जैसे डिवाइड किया गया हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उसमें इंटरनल च्इस होगी उसमें से एक आपने करना होगा ये भी फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन होगा हाँ जी स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के यहीं पे सिलेबस भी मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन के वीडियो भी बनाए गए थे पहले और इसको अपडेट भी कर दिया जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें है सबसे पहले पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में आपने इसका कॉन्सेप्ट करना है इसके ट्रेड थ्योरीज आइजटैक कॉस्टा एंड मैक्री की साइकोनालिटिक थ्योरी करनी है फ्री की इसके बाद है इस यूनिट में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रॉगर्स मेजरमेंट और पर्सनैलिटी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल असेसमेंट ये यूनिट फर्स्ट है इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना है शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आगे है यूनिट सेकंड जिसमें है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हैरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट अरिक्सन साइकोल साइ शोशल थ्योरी पीजेज थ्योरी ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट ये यूनिट सेकंड है इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक का आंसर देना है हाँ जी स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको यहीं पे सोशोलॉजी के पूरे लेक्चर्स के वीडियो मिल जाएंगे पंजाबी कंपलसरी के भी पूरे लेक्चर्स के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी जिसमें बहुत मेहनत करके वो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वहीं से आपका पेपर आना होता है वो आप तैयारी कर सकती हो हाँ जी आगे है यूनिट थर्ड जिसमें है इंटेलिजेंस इसमें कॉन्सेप्ट थ्यूरीज ऑफ इंटेलिजेंस करनी है सुपरमैन थर्स्टन कैटल गर्थ एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ये यूनिट थर्ड था अब यूनिट फोर्थ जिसमें है स्टेटेजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी एंड कॉरलेशन जिसमें मीनिंग ऑफ कॉरलेशन करना है रैंक ऑर्डर एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कार्लेशन एंड इंटरप्रिटन इसके बाद जैसे इसका नोट दिया है द यूज ऑफ नॉन प्रोग्रेम प्रोग्रामल कैलकुलेटर्स एंड स्टेटिकल टेबल्स इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन इसका प्रैक्टिकल आपका जैसे है इसमें मैक्सीम मार्क्स इसके ट्वेंटी होंगे प्रैक्टिकल के टाइम इसका तीन घंटे है फोर प्रैक्टिकल्स हैव टू बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग जिसमें वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मैकॉस्टा एंड क्रियो न्यो बिग फाइव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड इंट्रस्ट इन्वेंट्री एंड फेमुलराइजेशन ऑफ एनी फाइव अपार्टिस ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल क्या है डिटेल हाँ जी स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच अगर आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो उसके लिए मैसेज कर देना और कोई आपको समस्या हो कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो थैंक यू सो मच मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में